दोस्तों ये है बुलबुल के 3 अंडे। अभी मैं अपने हाथों में उठाकर आपको दिखाता हूँ, फीडिंग करा रही है। ये देखे आप, इनका पोटा भरा हुआ है, इसलिए मैं ये छोटा बच्चा उठाऊंगा। वैसे भी ये काफी ज्यादा कमजोर है, माशाल्लाह ये काफी ज्यादा भरा हो चुका है। डव का बच्चा काफी तेज हो गया है, तो अभी मैं वीडियो बना रहा था और वीडियो में ही मेरे हाथों में से ये उड़ गया है। दोस्तों 2 दिन ओ 3 और देखते हैं ये आप कहाँ जाता है। वो दोस्तों उड़ गए। और दोस्तों इनकी हैरान की बात यह है कि इनको कबूतरों ने पाला है। एक लड़के ने डव के अंडे उठाकर कबूतर के नीचे रखे थे, तो कबूतरों के नीचे ये निकले हैं, कबूतरों ने इनको पाला है। माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह ये है वो कबूतर का बच्चा जो मैंने उठाया था। अफसोस की बात यह है कि ये हैंड टाइम नहीं हुआ, जैसे नहीं मैं इसे ट्रेन करना चाहता था ये वैसे ट्रेन नहीं हुआ। अभी मैं इसे आज़ाद करता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ। अभी आजाद करते हैं, इसे यहाँ पर छोड़ते हैं। सामने बैठी है और दूसरी वो बैठी है, इसकी ट्रेनिंग भी मैंने शुरू कर दी है, इसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है, वाइट बच्चा है, इसका बच्चा है काफी ज्यादा बड़ा है। रिंग कहते हैं, टेल है इसके ऊपर, गाने भी बनी हुई है जिसे रिंग कहते हैं। तो ये हमारी पुरानी डव है जिसको मैंने अपने हाथों से पाला है। रूट रूट तो यहाँ पर डव के बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें अपने पैरों को सेक रहे हैं धूप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हमाद सलीम। उम्मीद है कि आप और आपके परिंदे अच्छे से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों 2 दिन वो भी मैं वीडियो बना रहा था और डव का बच्चा उड़ गया। ये देखे सामने इस तरफ बैठा है, वो गया वो ऊपर छत पर, अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ। दोस्तों डव का बच्चा ये बैठा है, अभी मैं इसे पकड़ता हूँ। ये पकड़ लिया, क्या हुआ बबलू, क्या हुआ? तो साथी आ चुका है और ये इसे देख रही है, केज में से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों अब दोस्त बन जाएंगे। और एक अभी मैं इसे केज के बाहर निकालता हूँ, इसे नहीं बुलाते, ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें ये अभी आया, ये आ गया पानी को देखकर। चाबी वगैरह ले आते हैं और हम इनको खोलते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। पकड़ लिया दोस्तों, पकड़ लिया कबूतर हमने। वाह भाई वाह, मेल का मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पता नहीं से क्या हो गया। ये जो आप सामने मेल देख रहे हैं, इसका मेल है, ये बैठा है माशाल्लाह। तो अभी इसे हम कोई मेडिसिन देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। बहुत ही जबरदस्त शरारती फीमेल है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस दरख्त में 2 डव को देखा था, वो अपना नेस्टिंग कर रहे थे, अपना घोंसला बना रहे थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डव जो होती है ये झाड़ियों वाले दरख्तों में अपना घोंसला बनाती है। 1 2 3 और देखते हैं ये आप कहाँ जाता है। वो तो सो गए। अभी हम चल कर आपको डव का घोंसला दिखाते हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। ये देखें आप, मेल ये सामने जा रहा है और डव भी अपने घोंसले में बैठी है। अभी जाकर हम देखते हैं कि इसमें अंडे हैं या बच्चे, और ये डव अभी उड़ने वाली है। तो डव के घोंसले में हमें एक अंडा मिला है। तो दोस्तों डव उड़ चुकी है, घोंसला बहुत ही मजबूत बनाती हैं और हर वक्त अंडों के ऊपर बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से इनके अंडे और इनका घोंसला अभी तक महफूज है। अभी देखे इसके मुंह में दाने वगैरह भी लगे हुए हैं, लगता है इनके माँ बाप ने अभी इनको फीडिंग करवाई है, दाना खिलाया है। तो दोस्तों डव के दूसरे बच्चे को मैं पकड़ कर ले आया हूँ, अभी जाकर इसके उसके घोंसले में रखते हैं। अंडों में से बच्चे 12 से 15 दिन तक निकल आते हैं और 15 दिन तक बच्चे मुकम्मल तैयार होकर उड़ जाते हैं, सेल्फ हो जाते हैं। अभी इनको तकरीबन 8-10 दिन हुए हैं। ये देखिए अभी जा रही है अपने घोंसले में और चला गया माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 दिन हो गए हैं और ये डव के बच्चे हमारे पास अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। मैं इनको अपने हाथों से दाना खिलाता हूँ और आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हो रही है। अभी 4 दिन हुए इनको मेरे पास आए हुए और काफ़ी चेंज हो गया, ये देख सकते हैं आप। और पहले 2 दिन मैंने इनको 3 टाइम फीड करवाई है, अब दूसरा और तीसरा दिन है मैं इनको 2 टाइम फीड करवा रहा हूँ। दीवार पर बैठ गए सामने। मुझे नहीं लगता इसका जाने का मूड है, तो इंशाल्लाह अपने घर में वापसी अगर चला गया तो हम इसे फिर नहीं उड़ाएंगे, इसे अपने पास रख। दोस्तों ये देखें, 1 2 यहाँ पर मुझे 2 कबूतरों की लाशें मिली हैं जो कि बाबर भाई के कबूतर हैं। यहाँ पर इनको बिल्ली ने मार कर खाया होगा, तो इनकी लाशें बिल्ली ने यहाँ पर फेंक दी होगी।
बिल्ली बावर भाई के कबूतरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। बावर भाई के बहुत ज़्यादा कबूतर बिल्ली ने खा लिए हैं। दोस्तों डॉग को हम दाना पानी देकर अभी से हम आज़ाद करते हैं इस केज से, और इस केज में हम अपने बजिस पैरेट को धूप लगवाएंगे आज। दोस्तों डॉग को मैंने दाना पानी रख दिया है, अभी हम इसे थोड़ी देर दाना पानी वगैरह खाने देते हैं और इसके बाद हम इसे आज़ाद कर देंगे। तो दोस्तों अभी केज का दरवाज़ा खोलते हैं और डॉग को इस केज के बाहर निकालते हैं। ये खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी, देखना दोस्तों। अभी ये देखें दोस्तों, डॉग अब छत के ऊपर आ गए, केज के बाहर निकल कर इस सामने बैठी है। माशाल्लाह दोस्तों हमारे यहाँ पर बजिस पैरेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, धूप लगवा रहे हैं। तो हम उठाते हैं इसे, हम खुद हैंड टाइम करेंगे, अपने हाथों से इसे पालेंगे। अभी इसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी हम चलते हैं नीचे, इसे सीट वगैरह खिलाते हैं और बड़े बच्चे को दोबारा इसके माँ बाप के पास रखते हैं। तो दोस्तों ये है कबूतरों का बच्चा जो कि हमने उठा लिया है, अभी हम इसे पालेंगे और अपना हैंड टाइम करेंगे। बजिस पैरेट से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, अभी चलते इसे नीचे ले जाते हैं और इसे सीट वगैरह खिलाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं कबूतर का बच्चा उठा रहा हूँ हैंड टाइम के लिए। पहले मैंने डव के भी बच्चे उठाए थे, उनको हैंड टाइम किया था, लेकिन वो थोड़े बड़े थे, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। आपने दुआ करना है कि ये बच्चा मेरे पास अच्छी तरह से पाल जाए। पिजन के बच्चे का होम जिसमें हम इसे रखेंगे, ये बुरादा है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर अभी डालता हूँ। और इसे हमारे बजिस पैरेट ने एक अंडा बाहर फेंक दिया, जो कि अंडा ख़राब है। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।